इस कहानी के लेखक है संजय कामले। हे दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल। रात के करीब 12 बज चुके हैं। आज फिर एक बार आपके सामने YouTube लाइव में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली 5 जगहों पर हमने पूरी रात बिताई, पर हमें कोई डरावनी बात नजर नहीं आई और ना सुनाई दी। इसके साथ हमारा यकीन और ज्यादा मजबूत हो चला है कि भूत प्रेत आत्मा सब कुछ बकवास है। ना इनका कोई वजूद है, ना ये कहीं मौजूद है। तो मैं आज इस नई जगह पर पहुंचा हूं। शर्त के मुताबिक हर बार की तरह यहां पर रात बितानी है। तो आप तैयार हैं न्यू एडवेंचर के लिए? तो चल। इंटरनेट कनेक्शन कटने से यूट्यूब पर कल रात अपलोड की हुई वो वीडियो एक ही जगह रुक गई। उसने मोबाइल की स्क्रीन बंद की और मोबाइल वैसे ही अपने हाथ में पकड़कर कार की खुली खिड़की से उदासी भरी निगाहों से बाहर झांकने लगी। सुबह के करीब 10 बज चुके थे। सूरज की हल्की सुनहरी धूप जंगल में चारों ओर फैली थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक कच्ची सड़क पर सफेद रंग की कार धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। कार के अंदर बैठे कॉलेज के लड़के लड़कियां जंगल के उस सन्नाटे को बिना कुछ बोले नजरों से ही समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें सबसे अजीब बात ये लग रही थी कि उस जंगल में इतना सन्नाटा होने के बावजूद किसी भी जंगली जानवर की आवाज या आहट महसूस नहीं हो रही थी और ना ही पंछियों की आवाज आ रही थी। इंसान तो क्या, मानो जंगली जानवर और पक्षी भी उस इलाके में आने से डरते थे। उनकी कार एक जगह आकर रुकी और धीरे धीरे सभी दोस्त कार से बाहर निकलने लगे। सब हैरान नजरों से सिर्फ चारों ओर देख रहे थे। उनके सामने एक बड़ा सा आलीशान बंगला था। उस इलाके को गौर से देखते हुए सभी चलते चलते बंगले के गेट से अंदर आए और सीढ़ियां चढ़कर सभी दोस्त दरवाजे के बाहर रुक गए। उनमें से एक लड़के ने सामने वाला पुराना लकड़ी का दरवाजा धीरे से जैसे ही अंदर की ओर धकेला, कर्र आवाज करते ही वो दरवाजा आधा ही खुल गया। बंगला पुराना होने के बावजूद काफी खूबसूरत था। दीवारों का रंग काफी फीका पड़ चुका था। शायद कई सालों से वो इस तरह आग उगलती धूप, हड्डियां जमाने वाली ठंड और मूसलाधार बारिश को अरसे से झेलते हुए भी शान से अपनी जगह मजबूती से खड़ा था। राहुल, एक दोस्त ने आवाज लगाई और बंगले के भीतर चारों ओर नजरें घुमाते हुए चलने लगा। उसकी आवाज खाली बंगले की सुनसान पड़ी दीवारों से टकराकर अंदर ही अंदर घूमने लगी। तभी उसकी दूसरी दोस्त सुनैना भी आवाज लगाते हुए बंगले के भीतर बढ़ने लगी। बंगले के अंदर एक अजीब सा जानलेवा सन्नाटा फैला हुआ था। दिन का उजाला होने के बावजूद भी सभी को अजीब सा डर लग रहा था। तीन लड़के और 2 लड़कियां अपने दोस्त को उस बंगले के हर एक कमरे में, बाथरूम में, लकड़ी की अलमारी में, मतलब जहां छुपने की जगह है वहां ढूंढने की कोशिश करने लगे, पर राहुल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। ना ही उसके होने की कोई निशानी उन्हें मिल रही थी। उसका मोबाइल तो कल रात से ही बंद था, साथ ही डिजिटल कैमरा भी, सब कुछ गायब था। ढूंढ ढूंढ कर सब परेशान हो गए। तभी राधिका को उस बंगले में एक अजीब सी मनहूसियत महसूस होने लगी और थकान के कारण उसे चक्कर आने लगा। राधिका की हालत देखकर सचिन ने कहा, शायद हमें अब चलना चाहिए। नाराज होकर खाली हाथ सब दरवाजे से बाहर निकले। सुनैना की आंखों से आंसू छलकने लगे। तभी जैसे उन्हें कोई उस बंगले के नीचे बने तहखाने के बंद झरोके से देखने लगा। काले अंधेरे में हल्की रोशनी से वो लाल आंखें
काफी डरावनी लग रही थी। वो आंखें सभी दोस्तों को घूरे जा रही थी, पर बंगले के नीचे उस जगह किसी का ध्यान नहीं गया। सब आपस में बात करते हुए अपनी कार में बैठ गए। सभी ने दोबारा एक नजर पूरे इलाके को गौर से देखा। दूर दूर तक घना जंगल, छोटे बड़े पेड़ों के बीच कांटों से भरी झाड़ियां, जंगल के सन्नाटे में हवा के हल्के झोंकों से पेड़ के पत्तों की सरसराहट, सब कुछ इतना खामोश था जैसे किसी कागज पर बना चित्र। ये सब देखकर विवेक ने कहा, यार दिन के उजाले में तुम लोग साथ होने के बावजूद मेरी फटी पड़ी है। राहुल अकेला पूरी रात इस जगह रहा था, उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर सचिन ने गाड़ी शुरू की। जंगल की कच्ची सड़क से उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और पीछे बैठी सुनैना ने एक नजर उस बंगले पर डाली। वो वीरान पड़ा बंगला कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था और उस तहखाने से वो दो आंखें अभी भी सुनैना को घूरे जा रही थी। सर, हमारा दोस्त राहुल लापता हो गया है। सभी दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। विवेक ने थोड़ी डरी सहमी आवाज में इंस्पेक्टर साहब को बताया। गायब हो गया मतलब? इंस्पेक्टर साहब ने शक भरी नजरों से सबकी ओर देखा। विवेक एक एक बात इंस्पेक्टर साहब को बता रहा था। बगल की कुर्सी पर बैठी सुनैना को अपना सर पकड़े रोता देख राधिका ने उसको थोड़ी हिम्मत दी। विवेक की सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर साहब अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे सिरकते हुए छत पर धीरे धीरे घूमने वाले पंखे की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोले, शर्त अकेले रात बिताने की शर्तें, वो भी ऐसी जगह जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी ना हो। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर सब इस तरह से चुपचाप खड़े थे जैसे वे खुद को ही कसूरवार मान रहे हो। इंस्पेक्टर साहब ने दोबारा से सबकी तरफ देखा और हवलदार से कहा, हवलदार इनकी FIR रजिस्टर कर लो, आप लोग जा सकते हो, अगर कोई जानकारी मिलेगी तो जरूर बताएंगे। सर सर कुछ भी करके हमारे दोस्त को ढूंढ लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। फिक्र मत कीजिए, वैसे राहुल के घर वालों को उसके लापता होने के बारे में जानकारी है? इंस्पेक्टर साहब की वो बात सुनकर सब गंभीरता से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नहीं, पर उसके घर वाले सुबह से हम सबको कॉल करके राहुल के बारे में पूछ रहे हैं। तो तुम लोगों ने क्या कहा? हमने कहा वो हमारे साथ नहीं है, अगर सच्चाई बता देते तो राहुल के घर वाले उसके लापता होने के लिए हमें ही जिम्मेदार ठहराते। वैसे भी उसके लापता होने के लिए तुम लोग ही जिम्मेदार हो ना? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया, उसने तो इंटरनेट पर इस बंगले के बारे में जानकारी ली थी। उसे भूतिया चैलेंज लेने की और ऐसी जगहों की पड़ताल करने की आदत थी। इससे पहले भी उसने कई बार ऐसी अजीबोगरीब जगह की पड़ताल की है, YouTube पर आप उसका चैनल भी देख सकते हैं। बोलते हुए विवेक ने जेब से अपना मोबाइल निकाला, YouTube पर वीडियो सर्च करते हुए इंस्पेक्टर साहब के सामने अपना मोबाइल रख दिया। ये देखिए सर। वीडियो में राहुल रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कोई पुराना खंडहर या फिर बंगला नजर आ रहा था। अपने हाथ में डिजिटल कैमरा लेकर राहुल हर एक चीज रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रहा था। साथ ही वह उस जगह और वक्त के बारे में जानकारी भी दे रहा था। तो ये है तुम्हारा दोस्त राहुल? इंस्पेक्टर साहब की करारी आवाज सुनकर सभी ने हाँ में गर्दन हिलाई। सभी दोस्त नाराज होकर अपने अपने घर चले गए। किसी का भी अपने काम में मन नहीं लग रहा था। सुनैना सबसे ज्यादा दुखी थी क्योंकि राहुल और सुनैना एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। सुनैना के लाख मना करने पर भी राहुल ने विवेक के साथ लगाई वो शर्त एक्सेप्ट की, जिसका नतीजा उन सबको भुगतना था। राहुल के माँ बाप सुबह से फोन करके अपने बेटे के बारे में पूछ रहे थे, मगर उनके सवाल के जवाब किसी के पास नहीं था। रात हो गई। सुनैना गुमसुम सी डाइनिंग टेबल से सटी कुर्सी पर कहीं नजरें गड़ाए बैठी थी। सुनैना बेटा, क्या हुआ? पापा ने प्यार से सुनैना के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। तबीयत ठीक नहीं लग रही है पापा, मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। बेटा कुछ तो खा लो, भूखे पेट सोओगी तो नींद नहीं आएगी। भूख नहीं है पापा। सुनैना की उदासी भरा चेहरा देखकर माँ ने कहा। सुनैना,
बेटा राहुल अभी छोटा बच्चा थोड़ी ही है, अपने दोस्तों के साथ कहीं गया होगा नए एडवेंचर की तलाश में, आ जाएगा वापस, तुम चिंता मत करो। माँ की बातें सुनकर सुनैना थोड़ी मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोते हुए अपने बेड पर लेट गई। रह रह कर उसे राहुल की याद आ रही थी। अपना मोबाइल लिया और राहुल को फोन करने लगी। पता था कल रात से ही उसका मोबाइल बंद है, पर दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मोबाइल स्विच ऑफ था। मोबाइल बेड पर रखकर वो उसकी यादों में रोने लगी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताना, उसके बाइक पर बैठकर दूर पहाड़ों की सैर करना, फिल्म देखना, कड़ाके की ठंड में भी रात को उसकी फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए बाइक पर शहर में घूमना। एक पल में सब कुछ बदल गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें।